दूर जा रहा है तुम्हारा भी प्यार तुमसे, क्या रिश्ता निकलता जा रहा है तुम्हारे हाथों से। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं अब सब कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगी, अब जो करना है परमात्मा को करना है। वैसे भी परमात्मा की शक्तियां हमारे साथ होती है, हर क्षण हर पल हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। यदि तुम कुरीतियां करते हो जीवन में, गलतियां करते हो, दूसरों का अहित करते हो, दूसरों के बारे में गलत बातों की इच्छा रखते हो, किसी के सुख को देखकर तुम्हें दुख होता है, फिर एक बात गांठ बांध लो, करोड़ों रुपए कमा लोगे, सुख शांति नहीं कमा पाओगे, रिश्तों को कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ये जो कुरीतियां हैं वो हमारा साथ छोड़ती ही नहीं है। और यदि तुम दूसरों की खुशी में प्रसन्न होते हो, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं भी करते हो, सबको अच्छा देखना चाहते हो, फिर कम भी पैसे है तुम्हारे पास, ना रिश्तों में सुख है, तुम्हारे घर में अद्भुत सी शांति है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, ये अद्भुत चीज है परमात्मा की बनाई हुई, जो तुम छुपे रूप से करते हो उसका तमाशा दुनिया देखती है। इसीलिए अपने इंटेंशन को हमेशा क्लियर रखो, साफ रखो, मुझे मुझसे मतलब है, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम करोड़ों कमाओ मुझे कोई जलन नहीं, तुम्हारे घर में पुत्र जन्म ले या तुम्हें सरकारी नौकरी लगे मुझे कोई दुख नहीं, ईश्वर करे मैं भी बढ़ूं और तुम भी बढ़ो, ऐसी अच्छी कामना रखकर देखो जीवन में कभी रिश्ते नहीं टूटेंगे, कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और छोटी मोटा अगर बुरा तुम्हारा हो रहा है तो परमात्मा के ऊपर से अपना विश्वास मत खोना, ऐसा नहीं तुम्हें अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया है, इसी के कर्मों के फल हमें बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चलो आज मेरी बहनों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी मेरा रिश्ता टूटने से बचा लीजिए, मैं पहली बार आपके चैनल पर आई हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। मैं कहती हूँ कि केवल एक गिलास पानी उसका नाम लेकर पी लेने मात्र से उसका चंद्रमा जो बिगड़ गया है तुम्हारे साथ, जो तुम लोग दोनों को दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं दे पा रहा है, तुम लोग का शुक्र खराब हो रहा है, तुम दोनों बहस कर रहे हो, ठंडक नहीं रह गई अब रिश्ते में, दोनों एक दूसरे के सामने आते हो और लहकने लगते हो, वह तुम्हें देखकर गर्म हो जाता है और तुम उसे देखकर चिढ़ जाती हो। हाँ, आज मैं दोनों का नाम इसलिए ले रही हूँ, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिसके बिगड़ने का कारण केवल पति नहीं है, पति की बेईमानी और गद्दारी नहीं है, पत्नी भी है, पत्नी भी बिगड़ते जा रही है, वो बहस करता है तुम भी बहस करती हो, वो एक जवाब देता है तुम चार जवाब देती हो, तुम्हें सिखाया जा रहा है ऐसा, कभी तुम्हारे मायके वाले, कभी तुम्हारे कुछ प्यारे मित्र, उसकी मत सुनना, वो कुछ कहे तो चार जवाब देना, तो ये सब आदतें भी तुम्हारे रिश्ते को तोड़ रही है। तो पहले संयम रखो, तुम एक नारी हो, तुम एक शक्ति हो, तुम एक देवी का प्रतीक हो, तो इस बात को मत भूलना कि इस शक्ति पर ही तो समस्त संसार आश्रित है। कितनी कुरीतियां हो रही हैं हमारी धरती पर हमारी धरती माता थामे हुए हैं उन सबको, हम माँ जगदम्बा को माँ मानते हैं और इस सृष्टि के संचालक मानते हैं, वह भी तो देवी है, वह भी संभाली हुई है, वरना कम बदमाशियां हम बच्चे नहीं करते हैं, फिर भी वह किसी को दंड नहीं देती और इस संसार को बड़े अच्छे से सुचारू रूप से चला रही है, तो तुम भी उनका ही अंश हो, होने दो, उच्च नीच जो हो गृहस्थी में, औरत को अपने मार्ग से विचलित नहीं होना, हमें अपना चरित्र नहीं बिगाड़ना है, हमें अपना आचरण और व्यवहार नहीं बिगाड़ना, पुरुष को जो बिगाड़ना है बिगाड़े, हम अपने अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी चलाएंगे और अपने घर को नहीं टूटने देंगे। इस बात को तुम समझ जाती हो समय रहते तो नहीं टूटेगा तुम्हारा रिश्ता। और चलो मैं हूं ना, मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूँ, ये वीडियो यदि तुम्हारे सामने आया है, ज्योतिष ज्ञान से तुम यदि आज से जुड़ रही हो, तो समझ जाना कि परमात्मा ने तुम्हारी एक अच्छी आदत का फल दे दिया तुम्हें। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखा, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करें ताकि जो पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। ज्योतिष शास्त्र एक खजाना है, अनगिनत कीमती मोती है उसमें। जो समस्या है आपकी, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रही है, ग्रह आपका अनुकूल नहीं है, बात बिगड़ रही है, भाई बहन में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, हर समस्या का समाधान है ज्योतिष शास्त्र में, परंतु सही जानकारी के अभाव में आप इससे विचलित रहते हैं, धन नहीं कमा पा रहे, पति पत्नी लड़ रहे हैं, घर टूट रहा है,
बच्चे नहीं हो रहे हैं। सभी ग्रहों का फेर है। आज बात शुक्र ग्रह की, चंद्रमा की करते हैं और गुरु ग्रह की करते हैं। ये तीनों ग्रह यदि बिगड़ जाते हैं बर्थ चार्ट में या आपकी किसी गलत काम की वजह से, देखो एक बात, किसी की नौकरी लगी, उसके घर में अच्छे पैसे आने लगे, तुम्हारा खून जलने लगा, तुम परेशान हो गए, तुम्हारा चंद्रमा बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा चंद्रमा बिगड़ेगा। इसीलिए ऐसा ना करो, ऐसा करने मात्र से तुम्हें तुम्हारा चंद्रमा बिगड़ रहा है, फिर यहाँ बात बिगड़ रही है। चलो आज एक उपाय बताती हूँ। मैं कह रही हूँ केवल एक गिलास पानी उसके नाम से पी लेना। वो जो तुम्हें अपमानित कर रहा है ना, तुम्हें ससुराल से निकालने की धमकी दे रहा है, तुम्हें मायके पहुँचा दिया है, नहीं लाने जा रहा है, या पुरुष हो तुम और तुम्हारी पत्नी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रही है, मायके चली जा रही है, बार बार तुम्हें परेशान कर रही है, वो तुम्हारे जीवन में लौट कर नहीं आना चाहती, तुम्हारे बच्चों का भार नहीं उठाना चाहती, तो ये सारी जो अवस्था होती है चंद्रमा से होकर जुड़ी रहती है। इसलिए आज एक गिलास पानी, एक गिलास पानी अर्थात साक्षात चंद्रमा और शुक्र, चलो इन ग्रहों को सुधारते हैं, अपने अनुकूल करते हैं और इससे बेहतर परिणाम अपने दाम्पत्य जीवन में लेते हैं। तुम्हारा पति आएगा लौट कर तुम्हारे पास, तुम्हारा प्यार रहेगा तुम्हारे वश में, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, वो करेगा गुलामी तुम्हारी। गुरुवार या शुक्रवार या सोमवार, इन तीन दिनों में से किसी भी दिन का चुनाव कर लेना मेरी बहनों, परंतु तुम्हारे पीरियड्स नहीं चल रहे हो जिस दिन तुम इस उपाय को प्रारंभ करो। नॉनवेज भी नहीं खाना है तुम्हें, काले रंग का वस्त्र का भी त्याग करना है, स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनने हैं तुम्हें। एक गिलास पानी सोते वक्त, बिल्कुल रात्रि में जब सारे कार्य समाप्त हो जाए, तो एक गिलास पानी तुम भरकर अपने माथे के सिरहाने पर रख लेना। जिधर तुम्हारा सर रहता है उधर तुम खिड़की पर भी रख सकते हो, ऊपर कोई फर्नीचर बना हुआ है तो उस पर भी रख सकते हो, परंतु जिधर तुम्हारा सर हो, और सर दक्षिण की दिशा में ही रखना ताकि तुम्हारी आंखें उत्तर को देख पाए प्रातः सोकर उठो तो। ऐसे भी शादीशुदा जिंदगी बिगड़ती है यदि गलत दिशा में तुम सोती हो तो। सर रखना दक्षिण की तरफ। वो जो पानी तुमने लिया, एक गिलास जल जो लिया है, उसमें तीन लौंग डाल देना। उसमें तीनों लौंग के फूल अंदर की ओर हो, तुमने उसका पीछे का पूछ पकड़ा हो, ऐसे डालना और तीनों लौंग डालते वक्त एक एक बार अपने पति का नाम लेना और एक एक करके तीनों लौंग उस जल में डाल देना। इस जल को किसी भी ढक्कन से ढक देना, किसी भी चीज से कवर कर देना और इसे अपने सिरहाने में रख देना, यानी तुम्हारे सर जिधर रहता उधर रख देना। संपूर्ण रात्रि तुम सोओगे तो सकारात्मक चीजें सोचना, यानी सोने के बाद कुछ नेगेटिव मत सोचना, अच्छा अच्छा सोचना, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लाइफ में फिर से आ गया है, सब कुछ पॉजिटिव अच्छा हो रहा है। तुम उस दिन को देखने का प्रयास करना कि तुम इस उपाय को करने के बाद जो परिणाम चाहती हो, उस परिणाम को देखने का प्रयास करना, महसूस करने का प्रयास करना, मानो सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा सोचते सोचते सो जाना। इस रात किसी भी नेगेटिव चीज को मत सोचना, किसी दूसरे के बारे में मत सोचना, किसी का गलत, किसी का अहित। मैंने कहा ना, कुरीतियों का जो फल है ना, वो घुमा फिरा के हमें मिलता है। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ गलती नहीं करते, परंतु दूसरे का जो गलत सोचते हैं उसके फल स्वरूप हमारे जीवन में बुरा होने लगता है। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोले, मीठा बोले। इतना सोने के बाद अगली सुबह जैसे ही जागो, ढक्कन हटाना और इस पानी में अपना चेहरा निहारना। देखो रात भर का चंद्रमा है, तुमने लौंग डाला है इसमें, इस बात को याद रखना, उस पानी में अपना चेहरा देखना। जैसे तुम्हें चेहरा दिखे, दिखेगा, पानी है तो चेहरा दिखेगा ही। एक घूंट पानी भर के अपने मुंह में पी लेना, बिल्कुल एक मुंह भर कर जितना पानी ले सकते हो मुंह में पी लेना, और उसी समय इस जूठे पानी को बाहर जाना, अपने घर के बाहर थोड़ा सा अपने घर से दो कदम आगे चले जाना, बिल्कुल अपने दरवाजे पर नहीं, जरा दो चार कदम आगे जाना और इस पानी को, जूठे पानी को उधेड़ देना, फेंक देना, लौंग सहित रास्ते पर फेंक देना। ऐसा सिर्फ एक बार करना, संभव हो तो सोमवार के दिन करना, और चुपचाप करना। जब ये पानी पियो, जब तक ये जल को फेंक ना दो, मुझसे एक भी शब्द मत बोलना। मैं कहती हूँ कि ये पानी जल तुम्हारा तुम्हारे अंदर जाते जाते उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा तुम्हारे प्रति। वो जो कुबुद्धि रच रहा है, तुम्हें बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है अपने जीवन से, वो सुधर जाएगा, सवर जाएगा, वो फिर से आएगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हें दाम्पत्य सुख फिर से मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो परमात्मा पर और अपनी आदतों को सुधार कर रखो। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। जो महसूस करो, जो अनुभव करो तुम इस उपाय को करने के बाद, मेरे साथ भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।